हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये तीन टूल के बारे में, ये तीन टूल का इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पैसे कमा सकते हैं। जब से ये टूल बनी है, पूरे इंटरनेट पे, पूरे सोशल मीडिया पे उथल पुथल मच गया है। आइए समझते हैं कि ये टूल का इस्तेमाल किस तरह से इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे किया जा रहा है, जो कि रील वायरल करने के लिए काफी इसका जो है महत्व रहता है। जो कि आपने देखा होगा कि बाबा वाला या फिर जो है जो मोटिवेशनल जो AI वीडियो होती है, जो कि उसमें बताता रहता है, मोटिवेशन देता रहता है। और दूसरा, डॉक्टर के पोशाक में आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पोशाक में वो दवाई के बारे में बताता रहता है। असल में जो वो रील होता है और जिसमें जो इंसान आपको दिखाई दे रहा है, वो इंसान असल में दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये कमाल है ये तीनों टूल का, जो कि ये तीनों टूल मिल करके एक वीडियो का बनता है। तो आइए समझते हैं कि इस टूल का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं सोशल मीडिया पे पैसे कमाने के लिए। अब से AI बना है तब से ऐसे बहुत सारे टूल है, लेकिन इस तीनों टूल का इस्तेमाल करके लोग जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे काफी ज्यादा जो है अर्निंग कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। पहला वेबसाइट है Hizen.ai। Hizen.ai जो है एक ऐसा वेबसाइट है जो कि आप इसमें इमेज जनरेट कर सकते हैं। इमेज का मतलब कि ऐसा इमेज जो आई कैचर हो, लोगों को लुभा सके, या अगर लेडीज का फोटो या फिर किसी लड़की का फोटो जनरेट करना चाहते हैं जो कि आई कैचर हो, लोग देखे तो देखते ही रह जाए, तो Hizen का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसमें लिख करके आपको कमांड देना पड़ेगा, जब इमेज जनरेट हो जाएगा आपका, डिस्क्रिप्शन में आपको कमांड दे देंगे, एक डिस्क्रिप्शन में कमांड दे देंगे, आप वहां से जनरेट कर लेना और उसी को अदल बदल करके बहुत सारे इमेज जनरेट कर सकते हैं। वैसे गूगल पे भी आपको बहुत सारे इमेज कमांड मिल जाएंगे, वहां से जनरेट कर लेना। अब आइए सेकंड वेबसाइट के बारे में जानते हैं। सेकंड वेबसाइट जो है ये Jenny AI है। सब इसको क्या करना है, Jenny AI से आपको वॉइस जनरेट करना है। यानी आपने देखा होगा कि मोटिवेशनल वॉइस वाला जो होता है, तो आपको क्या करना है, गूगल पे बहुत सारे मोटिवेशनल आपको किताब मिल जाएंगे फ्री में, या फिर मोटिवेशनल कोटा आप सर्च कर उसका हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज में आप बनाना चाहते हो वो लैंग्वेज में उसका पूरा मोटिवेशनल कोटा एक कहानी आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस वेबसाइट पे आना है आपको। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे लॉग इन कर लेना। लॉग इन करने के लिए email ID और पासवर्ड मांगेगा, आपको साइन अप कर लेना। email ID पासवर्ड देके एक OTP आएगा, वहां से साइन अप कर लेना। अगर और यहाँ पे एक बात याद रखना कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक बार साइन इन करते हैं तो मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो बनाने देता है, लेकिन आप इसी 5 मिनट को ऐसा कर सकते हैं कि वो 5 मिनट कभी खत्म ही नहीं होगा। कैसे, उसका इस्तेमाल आप टेम्परेरी मेल का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। टेम्परेरी मतलब हर आधे घंटे पे वो ईमेल डिलीट हो जाता है, तो आप गूगल पे टेम्परेरी मेल का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें लॉग इन करने के लिए। हर बार मेल आप डाल करके 5 मिनट बढ़ा सकते हैं। तो पहले यहाँ पे आपको कोटा सा ये करने के बाद इस वेबसाइट पे आना है, और आपको यहाँ पे वो जो कोटा आपने हिंदी में जो कहानी आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद उसमें आवाज सेलेक्ट कर लेना जो है मेल का, फीमेल का, किसमें आवाज चाहिए आपको। तो वहाँ पे जो है मेल का होना तो मेल का, फीमेल का होना तो फीमेल का, वहाँ पे सर्च कर लेना। उसके बाद जनरेट पे क्लिक कर देना, एक वॉइस जनरेट हो जाएगा। वॉइस जनरेट होने के बाद उसको डाउनलोड करना, वहीं नीचे बटन मिलेगा डाउनलोड करने का, वहां पे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड होने के बाद अब इमेज और वॉइस दोनों भी हो गया। दोनों होने के बाद तीसरी वेबसाइट होता है लिप सिंकिंग। और यहाँ पे वेबसाइट ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो कि यहाँ पे मैं गिटहब का एक टूल बता रहा हूँ, जो कि अनलिमिटेड, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो जो है AI लिप सिंक है जो गिटहब का एक टूल है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो AI लिप सिंक। जो है जैसे ही सर्च करोगे वहां पे आएगा, बस उसको गूगल ड्राइव में इंस्टॉल करना है। जैसे एक बार इंस्टॉल करेगा उसके बाद फाइल जो है ना, आपको जो इमेज है और आपका जो जो AI आपने वॉइस जनरेट किया है उसको audio. जो है वेब में जो है इसको रिनेम कर लेना, और इसका जो है इमेज इसको आपको video. जो है .web में इसको सेव कर लेना। और रिनेम करने के बाद, दोनों रिनेम हो गया, उसके बाद ये AI लिप पे आकर के आपको ये दोनों फाइल को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद ये वीडियो बना करके, यानी इमेज और जो AI वॉइस है वो दोनों मिल करके एक वीडियो बन जाएगा, जिसमें कि लिप जो है ना, लिप बाय लिप जो बोला गया है वही सेम इमेज के अंदर बोला जाएगा। तो आपने देखा होगा जितने भी इंस्टाग्राम पे रील चल रहे हैं ना, वो सारे के सारे इसी से बनाए गए हैं। जितने भी मोटिवेशनल बनता है ना, वो सारे के सारे इसी वेबसाइट से बनाए गए हैं, या फिर इसके ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं, तरीका यही है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट है, कोई इसमें ये यूज करता है तो कोई दूसरा। इसके अलावा देखो लिप सिंक है ना, एक DID वेबसाइट है, हमने आपको बताया था पहले, DID, आप गूगल पे सर्च करोगे DID वेबसाइट है, तो वो आपको ये सेम ही काम करता है, लिप सिंक करता है। इमेज खाली आपको अपलोड करना है और ऑडियो अपलोड कर देना है, इमेज आपको वीडियो बना के दे देगा। वही यहाँ पे एक Hizen Jenny के जैसा AI वॉइस अगर जनरेट करना है, तो यहाँ पे दूसरा एक और है, 11Live है। 11Live यहाँ पे 11Live है,
दूसरा एक वेबसाइट है गूगल पे सर्च करना 11 लैब, वॉइस अगर इसको समझ में नहीं आ रहा, इसका अच्छा वॉइस नहीं लग रहा, मतलब आवाज अच्छा नहीं लग रहा, तो 11 लैब सर्च कर लेना। सेम प्रोसेस इसका भी है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी टेमल का इस्तेमाल करके आप वॉइस जनरेट कर सकते हो। उसके बाद हाइजन की जगह पे यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट है, मतलब वेबसाइट के एक ही आदमी नहीं है ना बनाने वाला, बहुत सारे ऐसे आदमी है जो बना रहा है। तो यहाँ पे आपको हाइजन की जगह पे आप synthesia.ai या मिड जर्नी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो इमेज जनरेट करके आपको देता है। तो ये सारे वेबसाइट अलग अलग है, लेकिन ये तीन ही तरीका है जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो रील चल रहा है ना, जैसे डॉक्टर की या फिर जो है अपने बाबा वाला देखा होगा, ज्ञान देते हुए देखा होगा, दाढ़ी मोछ या पंडित की तरह दिखता है, उस तरह का लैंग्वेज देता है, या फिर डॉक्टर वाला आपने देखा होगा कि डॉक्टर दवाई के बारे में बोलता है, या फिर मोटिवेशनल कोटा जो होता है मोटिवेशनल बनाने के लिए वो इस तरह का बना देते। ये सारे जितने भी रील चल रहे हैं ना, वो सारे के सारे रील ये तीन ही तरीके से बनाया जा रहा है। तो इतने सारे, जब से ये AI आया है तब से इतने सारे भरमार हो गए रील, AI रील का, जिसमें कि अभी इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं है, ना इंस्टाग्राम का, ना फेसबुक का, ना यूट्यूब का। इसमें तीनों में जितने भी बनाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे जो है अभी कोई कानून के अंदर नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं लोग ऐसे सोचते हैं कि ये जो बोल रहा है ना वो इंसानी है, असल में वो इंसान नहीं है, इस दुनिया में वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका जो शक्ल आप देख रहे हैं, जो बोल रहा है, वो इंस्टाग्राम में जितने भी मोटिवेशनल रील चल रहा है, वो असल में इस दुनिया में इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता है। AI का बनाया हुआ एक इमेज है, जो कमांड दिया हुआ रहता है, जो बोला हुआ रहता है, जो कोई लिख करके देता है, तो उस तरह का इमेज इंसान से मिलता जुलता बना दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसी नॉलेज के लिए हमें फॉलो भी कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में।